गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ आवर टुडे क्लास इज स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इन फ्यू क्लासेस वी हैव स्टडी अबाउट बेसिक ICT स्किल्स एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सो दिस इज ऑल्सो द रिलेटेड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, एंड दिस इज मेनली सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, सिंस प्राइमरी मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज़ नॉट परमानेंट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। हमने देखा है कि जो प्राइमरी स्टोरेज होती है या प्राइमरी मेमोरी होती है, उसकी कुछ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है और वो डेटा को परमानेंट सेव नहीं कर पाती। इसलिए डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए और लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस अवेलेबल दिस डेस्क। हमारे पास में यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट हार्ड डिस्क की। जैसा कि बहुत ही सुना हुआ नाम है कि कंप्यूटर के अंदर एक मेन मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसके अंदर मेन एंड इम्पोर्टेंट है हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क मेमोरीज कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन वन और मोर सर्कुलर ब्रेटर्स और डिस्क ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विच आर कंटिन्यूसली स्पाइनिंग। हार्ड डिस्क जो बनी होती है वह बनी हुई होती है जैसे हमारी एक नॉर्मल CD होती है ना, सर्क्यूलर वे में, वही CD का कुछ पार्ट, मतलब कि 5 to 6 CDs को आपस में एक दूसरे से जोड़कर रखा जाता है उसके अंदर, ठीक है। और वो सभी प्लेट्स जो होती है वो कंटिन्यू सर्कुलर वे में मूव करती रहती है और वही डेटा को स्टोर करने का काम करती है। इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ रोटेटिंग डिस्क बाय मैग्नेटिक हेड्स एज टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। अब उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड होती है, जो हमारे पास में रोटेटिंग डिस्क होती है जो कंटिन्यू घूमती रहती है, उसकी सरफेस के ऊपर एक मैग्नेटिक हेड होता है, वह मैग्नेटिक हेड कंटिन्यू उसके ऊपर टच होकर CD और जो हमारी ड्राइव है वो कंटिन्यू घूमती रहती है और उसके ऊपर डेटा स्टोर होता रहता है। इस जो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वह अप टू 1 TB तक भी अवेलेबल होने लगी है। कॉम्पैक्ट डिस्क, द कॉम्पैक्ट डिस्क और CDs आर ऑप्टिकल मीडिया। द CDs आर रिलेटिवली चीप एंड हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB। नॉर्मली हम देखते हैं कि मार्केट में हमें एक CD प्रोवाइड होती है ना, जिसमें हम केवल उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, ना तो उसके अंदर कोई चेंज कर सकते हैं हम और ना ही उसके अंदर अगेन कुछ राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस CD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB और वो बहुत ही चीप होती है और उसके अंदर बहुत कम डेटा स्टोर किया जा सकता है। DVDs इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट लुक्स द सेम एज अ कॉम्पैक्ट डिस्क बट इज एबल टू होल्ड। DVD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट लुक्स द सेम एज अ कॉम्पैक्ट डिस्क but is able to hold about 15 times as much information and transfer it to the computer about 20 times as fast as a CD-ROM. DVD भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और कैसी दिखती है, जैसी CD दिखती है हमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह भी ज़्यादा होती है, डेटा ट्रांसफ़र की जो रेट होती है वह भी ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, 20 times as faster as CD-ROM. A DVD, also called a super density disk, can hold up to 7.4 GB of data or 4 hours of movie on a side. अगर हम बात करें तो जैसे CD के अंदर देखा था कि वह 700 MB डेटा यूज़ कर सकती है, लेकिन DVD कितना कर सकती है, अप टू 7.4 GB ऑफ डेटा, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1-4 घंटे की मूवी हम उसके अंदर ईजी वे में स्टोर कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश इज अ सॉलिड स्टेट मेमोरी दैट इज इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स अनलाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, नो डज इट मेक यूज ऑफ लेजर अनलाइक ऑप्टिकल ड्राइव्स, इंस्टेड इट वर्क्स इन अ सिमिलर वे टू रैम।
फ्रेश मेमोरी एक सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है जिसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के अंदर होता है, या फिर इसके अंदर कोई रिजर्व नहीं होती जैसे कि ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर होता है। अभी हमने बात करी थी ना सीडी और डीवीडी की ऑप्टिकल डिवाइस है, वो उस उन दोनों की तरह नहीं होती। जबकि ये बिल्कुल किसके इसका वर्क किसके जैसा होता है, रैम के जैसा। रैम दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। द की डिफरेंस इज दैट डेटा इज रिटेन इन फ्रेश मेमोरी इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। बस मेन फ्रेश मेमोरी और रैम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो डेटा है वह कंप्यूटर के पावर स्विच ऑफ होने के बाद में भी डेटा बचा हुआ रहता है, जबकि रैम के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमने पावर ऑफ किया उसके अंदर जैसा जितना भी स्टोर डेटा है बस अभी चला जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। पेन ड्राइव्स विद स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ अप टू 256 GB आर अवेलेबल नाउ डेज। जो फ्रेश मेमोरी होती है वह लगभग 256 GB अवेलेबल आजकल होने लगी है। नेक्स्ट आती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे इज अ सक्सेसर ऑफ डीवीडी, एक डीवीडी का ही सक्सेसर है। द ब्लू रे इज कैन राइट मोर डेटा कंपेयर टू रीड रेजर ऑफ डीवीडीज। एज अ कंसिक्वेंस अ ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर मच मोर डेटा इन सेम 12 सेंटीमीटर स्पेस। जैसा कि हम बात करें कि ब्लू रेजर जो होती है वह डीवीडी के से कंपेयर करे तो उसकी बजाय बहुत सारा डेटा उसके अंदर स्टोर करके रख सकती है। अब ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर मच मोर डेटा इन सेम 12 सेंटीमीटर स्पेस। जो डीवीडी की जो स्पेस होती है उसी स्पेस के अंदर बहुत सारा डेटा ब्लू रे डिस्क स्टोर करके रख सकती है। दिस डेज ब्लू रे डिस्क ऑफ कैपेसिटी 25 GB 50 GB आर कॉमनली अवेलेबल। हमारे पास में नॉर्मली ब्लू रे कितने जीबी की मिलने लग गई है, 25 GB की भी मिलने लग गई, 50 GB की भी मिलने लग गई है। मेमोरी स्टिक जिसको हम नॉर्मली पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, और एक मोबाइल के अंदर हम लगाते हैं जिसको MB और GB के नाम से भी पहचाना जाता है। मेमोरी स्टिक अ मेमोरी स्टिक इज अ टाइप ऑफ रिमूवेबल मेमोरी कार्ड दैट यू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर और अदर पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू कॉपी एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। मेमोरी स्टिक एक टाइप की रिमूवेबल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होती है या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ में इजी वे में कनेक्ट हो सकती है और उसके अंदर डेटा इन्फॉर्मेशन सॉरी डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। टिपिकली मेमोरी स्टिक्स आर यूज एज स्टोरेज मीडिया फॉर अ पोर्टेबल डिवाइसेस इन अ फॉर्म दैट कैन इजीली बी रिमूव्ड फॉर एक्सेस बाय अ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज इन डिजिटल कैमराज स्मार्टफोन्स कैमकॉर्डर्स म्यूजिक प्लेयर्स और पोर्टेबल प्ले स्टेशन एटसेट्रा। मेमोरी स्टिक्स इजी वे में किसी भी मीडिया को स्टोर कर सकती है। इसके अलावा वह एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसको हम आसानी से कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल देखते हैं डिजिटल कैमरा के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन के अंदर कैमकॉर्डर्स म्यूजिक प्लेयर स्टेशन इन सभी जगह पर हम इजी वे में मेमोरी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। द मेमोरी स्टिक्स ऑफ टूडे कैन स्टोर डेटा इन गीगाबाइट्स, देयर कैपेसिटी वेरी फ्रॉम 4 GB टू 128 GB। जो हमारे पास में मेमोरी स्टिक्स आजकल अवेलेबल होने लगी है वह गीगाबाइट्स में होती है जिसकी कैपेसिटी 2 GB 4 GB से वेरी कर कर 128 GB तक भी पहुँच चुकी है। इन द लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्क्राइब ऑल द टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। अभी हमने जितने भी टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी है, चाहे वह CD हो DVD हो हार्ड डिस्क हो ब्लू रे डिस्क हो पेन ड्राइव हो, उन सभी को हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और आपका होमवर्क जो हमारा होमवर्क सबमिशन टाइम है तब तक आ जाना चाहिए। थैंक यू।